पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अमन कमेटी शांति समिति मुरादाबाद के तत्वावधान में रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन मुरादाबाद क्लब में किया गया। कार्यक्रम में सदारत शहर इमाम हकीम सैयद मासूम अली आजाद ने की और संचालन राजेश रस्तोगी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम करने के लिए मुरादाबाद क्लब में रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखने के लिए एक अच्छा संदेश समाज के लोगों को दिया जाता है। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक इस पर्व पर सभी लोग मिलजुल कर कार्यक्रम में शामिल होते हैं और एक दूसरे को आगामी त्योहारों की बधाइयां भी देते हैं। ये अमन कमेटी का कार्यक्रम है मुरादाबाद महानगर में। हम चाहते हैं अमन और शांति बनी रहे, इसलिए हम 3-4 कार्यक्रम हर साल करते हैं। ईद मिलन, होली मिलन, रोजा इफ्तारी और भी एक दो कार्यक्रम हम करते हैं, जिसकी वजह से शहर में अमन चैन बना रहे। हमारी कोशिश है कि हम मुरादाबाद महानगर में अपना गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। इसके लिए हम लगातार सक्रिय रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। मैं खुद, मेरे कम से कम 2000 मुस्लिम परिवारों से पारिवारिक संबंध है। मैं इस बात के लिए बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं सभी समाज में सब लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कार्यक्रम आज इसीलिए किया गया है, रोज़ा इफ्तार 6:51 पे था, बिल्कुल समय से रोज़ा इफ्तार हुआ और हमारे इमाम साहब ने नमाज अदा करवाई है। और ये सब कार्यक्रम हम सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। महानगर के सभी हिंदू मुस्लिम भाई इसमें शिरकत करते हैं, बहुत अच्छी मोहब्बत के साथ इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है और हम लोग खूबसूरती से एक दूसरे के साथ गले मिलकर रहते हैं। शहर अमन कमेटी के महासचिव हाजी इफ्तखार अली ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और बड़े ही सादगी के साथ हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों को रोजा इफ्तार कराते हैं। खुशी की बात है कि बहुत दिन के बाद, 2-3 साल के बाद, में कोविड के बाद पहली बार मुरादाबाद शहर में अमन कमेटी, शांति कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें तमाम मोहसिन लोग मुरादाबाद के शामिल हुए और उन्होंने अपने अपने ख्याल का इजहार किया। सब लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कुछ लोग हमारे साथ इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका भी अफसोस जाहिर किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और बाकी सब लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की। और हम चाहते हैं कि हम गंगा जमनी तहजीब बनी रहे मुरादाबाद में। पुरानी ये तहजीब है हमारे मुरादाबाद की और मुरादाबाद हमेशा हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल बनकर रहा है। सारे त्यौहार, सारी खुशियाँ एक दूसरे से मिलकर बांटते हैं। हम उम्मीद है कि आने वाले त्यौहार भी, ईद और दूसरे जुमे अलविदा का पूरा इंतजाम प्रशासन ने किया है, सब लोग खुशियों से और उत्साह के साथ मनाएंगे इंशाल्लाह। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में अमन कमेटी, शांति समिति के संरक्षक हकीम सैयद मासूम अली आजाद, सांसद डॉक्टर एसटी हसन, विधायक हाजी नासिर कुरैशी, समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एके सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश रस्तोगी, महासचिव हाजी इफ्तखार अली, विनोद गुम्बर, रवि अरोरा, के मिश्रा के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। बहुत खुशी की बात है कि कई साल के बाद भी आज हम सब लोगों का एक साथ बैठने का सिलसिला दोबारा से कायम हुआ है, जो गंगा जमनी तहजीब के साथ साथ हिंदुस्तान की संस्कृति की धरोहर है कि हम लोग एक साथ बैठते हैं, रोजा इफ्तार करते हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा पूरे अमन कमेटी को, पत्रकार बंधुओं को और तमाम समाज सेवी लोगों को कि आज उन्होंने कई साल के बाद कोरोना के बाद में इस अवसर पर इकट्ठा होकर एकता का संदेश दिया है। जहां देश में अराजकता फैलाने वाले हैं, वहीं पर बहुत बड़ी संख्या में इत्तेहाद और आपस में बैठकर हंसी मजाक के साथ एक संदेश देते हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को देते हैं कि हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। उसी संदेश के सिलसिले में आज ये यहाँ पर रोजा इफ्तार था और बहुत खूबसूरती के साथ ये रोजा इफ्तार की महफिल मुनक़िद हुई है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।